Good morning, students. Welcome in our class. Today we are going to learn lesson number 4, work around us. When they grow up. This is Sumit. Sumit is a doctor. He treats the sick people. He finds out the symptoms and after diagnosing the disease, advises medicine to them. सुमित एक डॉक्टर है और वो एक सिक पीपल बीमार लोगों को ठीक करते हैं। उसके सिम्टम्स और बीमारी को देख के वो मेडिसिन उसको प्रोवाइड करते हैं। ही स्टडी मेडिसिन फॉर 5 years आफ्टर पासिंग 12th एंड हिज ट्रेनिंग ऑल्सो इंक्लूड अ ईयर एज एन इंटर्न एट द हॉस्पिटल अटैच टू हिज मेडिकल कॉलेज. After passing the 12th class, Sumit study in 5 years for medical line, and also they have to get a training in his medical college. तब जाके ये अच्छे एक well doctor बने. 12 पास करने के बाद उसने 5 years medical line में study किया और उसके बाद internal training भी. इंटर्नशिप भी उसने अपने मेडिकल कॉलेज में की, तब जाके एक वेल गुड डॉक्टर्स वो बने, अपने प्रोफेशंस में आए वो. शीला इज अ नर्स हु हेल्प्स सुमित एट द हॉस्पिटल. शी हैज अ डिग्री इन नर्सिंग. एज यू कैन सी द पिक्चर, दिस इज शीला. वो क्या है, एक नर्स है. वो सुमित को हेल्प करती है हॉस्पिटल में और उसकी डिग्री क्या है, नर्सिंग की डिग्री से. शी हैज टू स्टे अवेक ऑल नाइट व्हेन शी इज ऑन ड्यूटी एज शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीकिंग द हेल्थ ऑफ द पेशेंट्स एंड पीरियोडिकली एंड गिविंग मेडिसिन टू प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर्स. नर्सिंग का काम क्या है, शीला कौन सा वर्क करती है, और उसकी ऑन ड्यूटी पे वो पेशेंट्स का ख्याल रखती है और जो प्रिडिक्शंस डॉक्टर ने दिए हैं, मेडिसिंस पेशेंट्स को देनी है ऑन टाइम पे, वो सारा वर्क शीला करती है, नर्स करते है. दिस इज पामेला. पामेला इज अ टेलीविजन जर्नलिस्ट. She works for a news channel. She travels to different places to gather information about recent event. Pamela एक television journalist है और वो एक news channel में work करती है और वो different place पे traveling करती है information collect करने के लिए. She then present it on televisions. Pamela reads a lot as her jobs require awareness about what is happening in the country and around the world. Generally, journalist की क्या duties है, क्या job है, countries के अंदर क्या होता है recently और around the world, world के अंदर क्या new recently news है, वो सारे news और informations जर्नलिस्ट कलेक्ट करते हैं और अपने टीवी चैनल्स पे, न्यूज चैनल पे वो प्रेजेंट करते हैं. एट टाइम्स शी हैज टू स्टे अप ऑल नाइट्स व्हाइल रिपोर्टिंग अ इम्पोर्टेंट इवेंट. एक बार वो पूरी नाइट्स उसने स्टे किया एक रिपोर्टिंग करने के लिए, एक इवेंट को रिपोर्टिंग करने के लिए. एट other times she has to wait for hours for an interview with a politicians, actors or government official. uske alawa usne ek bar politicians, actors or governor officers ka interview lene ke liye usne ghanton bhar usne intezar kiya. और ये सब जर्नलिस्ट फेस करते हैं अपनी ड्यूटीज के दौरान. बट शी डज नॉट माइंड दिस डिफिकल्टी एज शी लव्स हर जॉब. बट ये सारी डिफिकल्टीज वो उसको माइंड नहीं करती है,
उसको अपनी ड्यूटीज अपना जॉब बहुत पसंद है. सो दिस इज द जर्नलिज्म जर्नलिस्ट जॉब. पामेला इज अ टेलीविजन जर्नलिस्ट. दिस इज जॉन. जॉन इज अ डिस्क जॉकी. ही प्ले म्यूजिक टू एन ऑडियंस एट एन इवेंट. जॉन एक डिस्क जॉकी है और वो एक म्यूजिक प्लेयर है जो स्पेशल इवेंट पे वो अपने म्यूजिक प्ले करते हैं. दिस इवेंट्स कैन बी वेडिंग बर्थडे पार्टीज फेस्टिवल्स गेट टूगेदर्स एंड स्पेशल नाइट्स एट क्लब. जॉन लिसन टू ऑल टाइप्स ऑफ म्यूजिक टू इंक्लूड्स न्यू सॉन्ग ऑन हिज प्ले लिस्ट. He also finds out what types of music his audience is likely to enjoy. और उसके अलावा उसको पता होता है कि उसकी audience को कौन से types के music सुनने में अच्छे लगते हैं, उसको पसंद है. He play that types of music on his playlist. So this is about a disc jockey.